हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। आज हम डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं, जो अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a बाई x प्लस log अंडर रूट में x माइनस a x प्लस a, प्रूव दैट dy बाई dx इक्वल टू 2a का क्यूब y में x की पावर 4 माइनस a की पावर 4। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमारे ये y की वैल्यू दी गई है, इस y की वैल्यू को यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो अंडर रूट दिया गया है, इस अंडर रूट को हम पावर में 1/2 लेते हैं, और हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू जो है अगर हमारे लॉग में पावर में होती है तो वो इंटू में आ जाती है, और डिवाइड में हमारे पास वैल्यू को हम जो है माइनस में करके लिखते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो है वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस ए माइनस लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस का ए। अब इसको हम जो है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम जो है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हमारे पास 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास एक्स की जगह पे ए बाई एक्स, हमने ए बाई एक्स का स्क्वायर लिखा है, और ए बाई एक्स का हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लॉग की वैल्यू 1/x होती है, एक्स माइनस ए है तो 1/x माइनस ए, एक्स प्लस ए है तो 1/x प्लस ए, हम यहाँ पर इसको बना लेते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसको जो है हम एलसीएम लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमारा न्यूमरेटर में आ गया, और ए बाई एक्स का है तो इसका होता है माइनस का ए बाई में एक्स स्क्वायर। तो इस एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को काट देते हैं, ठीक है, और उसके बाद माइनस साइन यहाँ पे बन जाता है आपका ए बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसकी वैल्यू बनाते हैं, तो ये हो गया हमारा 2a। तो 2a से हमारे पास जो है ये वैल्यू हमारी, ये 2a से 2 से 2 कट जाता है, a बाई में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर ये हमारा वैल्यू प्लस में है, ये वैल्यू हमारा माइनस में है, तो इसको जो प्रोडक्ट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है, तो एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर में यहाँ पे 4 हो गई। अब हम इसके बाद जो है फिर हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस ए एक्स स्क्वायर और प्लस का ए एक्स स्क्वायर ये आपस में कट जाते हैं, ए क्यू और ए क्यू मिलकर के हमारा 2a³ बाई में एक्स के पावर 4 माइनस ए की पावर 4 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू हमारे पास जो है इसमें दिया गया है, जो हमारा वैल्यू जो दिया गया है डिफ्रेंशिएट करने पर dy बाई dx जो है हमारा वैल्यू दिया गया है y डैश जिसको कहेंगे 2a³ बाई में एक्स के पावर 4 माइनस ए की पावर 4। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपने बड़े ध्यान से हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए आपको